वेलकम बैक टू एमबीबीएस गाइड गाइस, मैं आ गया हूँ एरोस्लाव से मॉस्को रिटर्न। अब मॉस्को मैं शाम में 5 बजे पहुँच गया था और मेरी कल ओजेल की ट्रेन है कल शाम 5 बजे की। तो अभी भी मेरे पास एक दिन है और वो एक दिन में मैं मॉस्को कवर करूँगा, जो लोकेशन मैंने कवर नहीं करे थे फर्स्ट वाले पार्ट में। तो फिलहाल मैंने हॉस्टल में चेकिंग कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन और मेट्रो पकड़ के मैं जाऊँगा क्रेमलिन और क्रेमलिन पे आज की शाम गुजारूँगा और क्रेमलिन से व्लॉगिंग करेंगे, आपको बताएंगे क्रेमलिन कैसा है मॉस्को का। मैं अब मेट्रो से निकल गया हूँ, क्रेमलिन जो एरिया में है वहाँ पे पहुँच गया हूँ। क्रेमलिन के अगल बगल में भी मतलब प्लेसेस है घूमने लायक, तो वो पीछे मतलब एक रास्ते में ही है। अभी तक मैं क्रेमलिन पहुंचा नहीं हूँ लेकिन रास्ते में ये प्लेसेस है, अच्छा है, पब्लिक भी है यहाँ पे। मैं यहाँ से पीछे से आया हूँ, मेट्रो स्टेशन वहाँ पे था, एक अच्छी ये वाली बिल्डिंग भी दिख रही है और पीपल अभी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग सारे। इस साइड भी अच्छा खासा लोकेशन है, लोग भी है यहाँ पे, अभी कोई पार्क टाइप है। मैं अब क्रेमलिन के पास आ गया हूँ, अब दूर से मुझे यहाँ से क्रेमलिन दिख रहा है। इससे पहले भी मैं यहाँ से आया हूँ, ये वाली बिल्डिंग और ये रहा क्रेमलिन। अब वो क्रेमलिन जाने के लिए हमें ये जो बिल्डिंग है ना, ये पूरी और वो वाली दूसरी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग से बीच में एक रास्ता है, वहाँ जाना पड़ेगा हमें। और इसके सामने प्यारी सी बिल्डिंग है और जस्ट इसके अपोजिट साइड जो मैंने आपको एंट्रेंस बताया, इसके अपोजिट साइड ए वाला व्यू है। गाइस ये सामने आपको जो दिख रहा है वो क्रेमलिन है, एंट्री हो गई है हमारी, जो दो बिल्डिंग्स के बीच में जगह थी वहाँ से। ये साइड में भी एक मस्त जगह है, वाली भी बिल्डिंग भी अच्छी है और इसके साइड में बिल्डिंग्स है। यहाँ से हमारी एंट्री हुई है, ए वन साइड वाली बिल्डिंग और दूसरी ए वाली बिल्डिंग। और ये है क्रेमलिन के साइड का व्यू और बीच में क्रेमलिन जहाँ रशिया के राष्ट्रपति बैठते हैं। अभी क्रेमलिन के आगे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तभी ये पूरा एरिया उन लोगों ने कवर कर दिया है। फिर भी आगे वो वाला खुला है थोड़ा एरिया, वहाँ पे जा सकते हैं। उसके पास में एक और बिल्डिंग और ये तो मैंने देखा अभी मॉल है, पूरा शॉप टाइप कुछ दिख रहे हैं सारी, अंदर शॉप्स है। और क्रेमलिन के पीछे एक रिवर है, वही मॉस्को रिवर, और रिवर के किनारे से भी अच्छा व्यू होगा, वो भी कवर करेंगे। भाई साहब पब्लिक देखो, रशिया के अंदर मैं पहली बार इतनी पब्लिक देख रहा हूँ। बिजनेस सेंटर पे भी मुझे इतनी पब्लिक दिखी थी और क्रेमलिन पे तो बहुत पब्लिक है। और यहाँ फोटोग्राफी चल रही है, हर किसी के हाथ में फोन है, हर कोई कैप्चर कर रहा है सारी मोमेंट्स को।
क्रेमलिन का फाइनल व्यू एकदम नजदीक से। क्रेमलिन से आगे ये वाला व्यू आता है जब आप क्रेमलिन के आगे एकदम खड़े रहते हो तब। तो सामने स्ट्रेट वहां से आपकी एंट्री होती है। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली बड़ी सी घड़ी है और राइट हैंड साइड ये मॉल है। अब ये मॉल के बगल में एक स्ट्रीट है, बहुत ही प्यारी लाइटिंग है, मैंने देखी है। अब वहां मैं जा रहा हूँ, लाइटिंग दिखा होगा, बहुत प्यारी लाइटिंग। जो क्रेमलिन के आगे जगह है ना पूरी, एक मतलब बड़ी सी जगह है एंट्री और क्रेमलिन के बीच में। जैसे आप एंट्री लेते हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड एक स्ट्रीट दिखती है आपको, लाइटिंग वाली जो मैं आपको बता रहा था। एक क्रेमलिन है सामने और सामने से आप रिटर्न आओगे या फिर एंट्री है, एंट्री से आप सीधा लेफ्ट लोगे तो ये आपको स्ट्रीट दिख जाएगी। पूरा रोमांटिक माहौल बना दिया है गाइस, जैसे और मैंने स्ट्रीट पे। तो पब्लिक भी देखो यहाँ पे आप, साइड में ब्यूटीफुल फ्लावर। Hey guys, इस स्ट्रीट पे कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हैं, शूटिंग चल रही है आई थिंक। यहाँ पे भी कोई बंदा गाना गा रहा है फिलहाल। वो जो स्ट्रीट थी वहां से जो बगल में मॉल दिख रहा था ना वहां पे आ गया। ये मॉल का नाम है गम मॉल। सच में गाइस ऐसा मॉल मैंने आज तक कभी देखा नहीं है इंडिया में, तो आई थिंक ऐसा कोई भी मॉल नहीं होगा। आप इसकी एक झलक देखो बस। जितना ही प्यारा मॉल है इतनी प्यारी प्राइजेस है, कपड़ों की या जो भी सामान यहाँ पे मिलता है। स्ट्रीट की लाइट दिख रही होगी आपकी, आपको कहाँ से आया था मैं, स्ट्रीट की लाइट है वहाँ से। ये देखो मैं अभी सेकंड फ्लोर पे हूँ। अब मैं आ गया हूँ क्रेमलिन के पीछे, यहाँ से आ गया हूँ। एकदम मॉल वाला लोकेशन है और एक क्रेमलिन है और पीछे से हाईवे निकलता है। यहाँ पे भी सब बिल्डिंग्स पे लाइटिंग है। आई थिंक पूरी रात वो सिटी ऐसी की वैसी रहती होगी, मतलब इतनी पब्लिक दिखती होगी आपको रात के 3 बजे की। ये देखो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन इसके जैसा ही लुक है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बार बार लोकेशन देख के। ये देखो और वाला लोकेशन,
ये आ गई मॉस्को रिवर, अभी भी बता रहा हूँ मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, सेम ऐसे ही दिखते हैं लेकिन नहीं है, जो मैं गलत फहमी कर रहा हूँ वो आप मत करो। और ये सामने क्रेमलिन, गुड मॉर्निंग गाइस। कल क्रेमलिन जाने के बाद रात हो गई थी क्रेमलिन पे ही, फिर मैं चला गया था होटल पे, और अब दूसरे दिन मेरी 4:30 बजे की ट्रेन है ओरियल की, और अभी भी मेरे पास टाइम है। तो मॉस्को के अंदर एक इस्कॉन टेंपल है, कृष्णा टेंपल, अभी मैं वहाँ पे आ गया हूँ। अभी सब मैंने देखा गाइस, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप है, यहाँ के जो लोकल लोग से वो कृष्णा में बिलीव करते हैं, भजन करते हैं, धुन करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल टेंपल में हूँ, मैं आपको सब बताता हूँ। यहाँ किचन वगैरह सब कुछ है, और जो इंडियन खाना है और सब कुछ, मतलब जो पूरा इंडियन कल्चर ये लोग फॉलो करते हैं, जो इसमें बिलीव करते हैं, और उनकी पूरी लाइफ स्टाइल भी चेंज करते हैं लोग। मैं आपको पूरा टेम्पल अभी विजिट कराता हूँ। एक यहाँ पे है भगवान, और यहाँ पे भी है लेकिन ये अभी बंद है। और यहाँ पे सब सेटअप, यहाँ धुन वगैरह होती है, यहाँ पे कोई जो मतलब उनका हेड होगा वो यहाँ पे बैठता होगा, जो उसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होगा, मतलब कृष्णा और जो अपना भगवद गीता या धुन वगैरह जिसको आती होगी। और सामने भी एक भगवान है अपने, और पूरा आप सेटअप देखो, पूरा एकदम इंडियन कल्चर आपको दिख जाएगा। दान पेटी, इवन प्रसाद भी, ये लोग फ्रूट्स वगैरह बांटते हैं। जस्ट मैंने अभी एक प्रसाद लिए, और अभी किचन की तरफ जाएंगे, किचन वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनका किचन है गाइस, फ्रीज वगैरह है, यहाँ पे सब खाना वगैरह भी है अंदर, और अभी किचन में जाएंगे, सब खाना बना रहे हैं। और ये आई थिंक हलवा है, प्रसाद में उन लोगों ने बनाया होगा। मैं अभी किचन में आ गया हूँ, यहाँ पे कृष्णा की धुन भी चल रही है और सब काम भी कर रहे हैं। ये पूरा किचन का सेटअप आप देख सकते हो, और ये आंटी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। हरे कृष्णा। वो पीछे भी पूरा सेटअप आप देख सकते हो गाइस, पूरा इंडियन खाना बनता है, और ये लोग मतलब ये कह सकते हैं कि बस उनका चमड़ी का कलर अलग है, बाकी वो इंडियन बन जाए। और मतलब एक अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ें लोग फॉलो करते हैं, मतलब ये लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं यहाँ पे, मतलब ये धर्म अपना के, फिर छोटे कपड़े पहनना छोड़ देते हैं, और पूरे दिन मतलब उनकी ज़िंदगी यही हो जाती है कि कृष्णा कृष्णा। और जो हम हिंदू मानते हैं, मतलब कि जो हमारा कल्चर मानता है, वो सब में ये लोग बिलीव करने लगते हैं। हरे कृष्णा। Can you tell me something about which food you prepare? You prepare Indian food, how to prepare? From where you learn that, how you prepare this kind of food? And yes. What you eat and all the yes. For we cook Indian food, but it's like for Russians. It's adopted. Yes. Yeah. It's adopted, and we use special book with the receipt. So that's why, and our master with cooking, she was trained by the teachers from India. That's why she knows how to cook. Yes. Anyone visited India from your staff? Everyone. Everyone visited. Yes. Uh-huh. Which place you visited? Can you tell us? I was in Vrindavan, Mayapur, Tirupati. Tirupati. Yes. Rishikesh. Did you visit Dwarka? Puri, Dwarka. Yes. Dwarka is 200-300 kilometers far from me. I'm from this place. Oh, that's amazing place. We stayed there like it was 2018. Yeah. Yes, and we lived in a temple, and it was made from the stone. It was a stone. Yes, it was an amazing place. So.
We all love India and we go there. Everyone, you can come to this temple, you can worship, and you can help us to, how to say, to serve for the God. So come and visit our temple. Which is your favorite Indian dish? Dish? Your favorite Indian dish? For me, I like some sabji. No, sabji I like also this. Okay, sabji, yes, I like sabji, yes. Vegetable you like, cauliflower, cauliflower, tomato, onion. For me, which kind of sabji I like? With paneer, paneer and any vegetables, yes. You know about Indian sweets? Yes, that's what I was trying to say, sampapdi, okay, yes, I don't remember the name for this, yes, but also I like Indian halwa and also burfi. I like burfi. Yes, I forgot the name. Yes, I like burfi. Caramel burfi, my favorite. Okay, thank you so much. Sorry about my language, it's not no so problem. Good. Thank you. I have to go. Hare Krishna. तो आपने देखा उनका इंटरव्यू, वो लोग प्रॉपर साड़ी पहनते हैं, इंडियन फूड भी उनको पता है, उनके फेवरेट फूड भी मैंने पूछे, और उन्होंने वो लोग मतलब कैसे ये सब सीखे, मतलब ये रेसिपी कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए उनके पास बुक है। और मोस्टली उन्होंने बोला है कि सारे यहाँ का जो स्टाफ है ना, ये इंडिया विजिट किया है, और इंडिया में जितने भी कृष्णा प्लेसेस है वो सारे उन्होंने विजिट किए हैं, लाइक द्वारका, वृंदावन एंड जो भी इंडियन मतलब प्लेसेस है अपने कृष्णा भगवान के। तो गाइस सही है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडियंस हो और रशिया में हो तो मॉस्को में टेंपल है, ज़रूर विजिट करिएगा और उनको मोटिवेट करिएगा और आप भी थोड़ा भक्ति में शामिल होइएगा। तो गाइस अब जाएंगे अपन गोरकी पार्क, फिर गोरकी पार्क से मैं जाऊँगा सीधा रेलवे स्टेशन, देन मैं चला जाऊँगा ओरियल। तो गाइस मिलते हैं अभी गोरकी पार्क में। गोरकी पार्क आ गया हूँ मैं, ये मेरा लास्ट लोकेशन रहेगा और इसके बाद फिर मैं ओरियल के लिए निकल जाऊँगा। गोरकी पार्क के अभी बाहर खड़ा हूँ, एंट्री आपको दिखा देता हूँ पहले। ये एंट्री है, एंट्री फ्री है, कुछ चार्जेबल नहीं है, फ्री में एंट्री होती है, लेकिन बाहर से ये सारी है, यहाँ से एंट्री होगी। ये हमने पीछे से एंट्री ली है। पार्क तो अच्छा है, मतलब एक हेल्थी टाइम स्पेंड करना है किसी के साथ आप तो यहाँ आके बैठ सकते हो। पब्लिक भी है अच्छी खासी, स्टॉल भी है खाने पीने के, और बच्चे भी है, बच्चों के लिए झूला वगैरह भी है उस साइड। अभी तो जस्ट एंटर हुआ हूँ, अंदर और कुछ होगा दिखाने लायक तो आपको दिखाऊंगा गाइस। बच्चों की राइड्स है सारी, और एक चीज बताता हूँ आपको, ये देखो साइज, ये देखो गाइस पियर का पेड़ है। रशिया में बहुत ऐसे पेड़ होते हैं, पार्क में भी बहुत है, लेकिन कोई इसको खाने वाला नहीं है गाइस। इंडिया में ऐसे पेड़ होते तो क्या हालत होती। इवन हमारी सिटी में भी बहुत सारे पेड़ हैं इसके ऐसे वगैरह के। देखो रशिया में फ्लावर्स बहुत लगाते हैं लोग, जब जब भी समर आता है ना, तो जो लोगों के पास जगह है मतलब घर के आगे, वो सब फ्लावर्स लगाते हैं, और बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पे होती है फ्लावर्स की। ये देखो
लेकिन ये जो फ्लावर्स के बीज है वो इंडिया में सूटेबल नहीं है। मैं लास्ट टाइम ले गया था इंडिया, लेकिन इंडिया में ग्रो नहीं हुए थे फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी नहीं होती जितनी इंडिया में होती है। ये भी देखो, गाइस इसका नाम आपको पता है तो बताओ। ये इंडिया में ये चीज़ होती है, और ये जो आया है ना, ये जो चीज़ है ना, जो ऊपर फ्लावरिंग वगैरह, इसको गुजराती में राजगरो बोलते हैं। इसमें से दोने छोटे 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 दाने निकलते हैं, इसका हलवा भी बनता है, और एज आटा इसको यूज़ करते हैं, फास्टिंग में भी इसको खा सकते हैं। ये तो हम मतलब खेती करते हैं इसकी, मेरे वहाँ तो खेती होती है, और हम लोगों ने गार्डन में लगा दिया है। हर एक कलर के फूल से आप, हर एक कलर के। मैं चलते चलते आगे आ गया हूँ गोरकी पार्क में, पीछे तालाब जैसा कुछ है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह कर रहे हैं कुछ लोग। ये देखो बहुत सारी बोट्स है यहाँ पे, कुछ लोग कर भी रहे बोटिंग। मैं रास्ते से आया, अभी सीधा में आया हूँ। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, सेटअप अभी कर रहे हैं लोग। मैं अब निकल गया हूँ मॉस्को से होटल के लिए। मैंने गोरकी पार्क घुमा पूरा, और जो चीज़ें दिखाने लायक थी वो मैंने कैमरे में कवर करी है। फिर 4:30 बजे ट्रेन थी तो मैं निकल गया वो भी होटल के लिए। अभी 7 बजे मॉस्को सिटी के बाहर आ गया वो। तो गाइस ये था मॉस्को का ब्लॉग, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। 3 वीडियो, बाय, टेक केयर।